नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे। स्वागत करता हूँ सभी वालों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जाना, शत्रु से जो लोग परेशान हैं, हाउ टू वर्शिप शत्रु, यानी जिन लोगों को दुश्मनों ने परेशान कर रखा है उन लोगों के लिए क्या करना है। तो आपको 27 जाप आपने सोने से पहले करने हैं, ठीक है, और परमात्मा आपकी जरूर हेल्प करेगा। कोई भी प्रयोग जब किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा आपको जब दिया जाता है, उस प्रयोग का पूर्ण प्रयोग सद्भावना एवं जगत गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी की अपार कृपा दृष्टि में एवं गुरु कृपा दृष्टि में अगर आप करते हो तो 100% ये आपके ऊपर जो है वो कार्य करता है। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की आर्थिक तंगी देने के लिए, किसी व्यक्ति को दुखी करने के लिए अथवा अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और जानबूझकर किसी बेबस इंसान, लाचार इंसान को तंग करने के लिए अगर आप इन क्रियाओं का प्रयोग करते हो तो ये आपके विपरीत जो है वो कार्य करते हैं, यानी कि ये आपको ही दुखी करती हैं, ठीक है। गुरु गोरक्षनाथ नाम का मेरा एक और चैनल है, डायरेक्टली यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लेना, गुरु गोरक्षनाथ चैनल आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। उस पर कई प्रकार की क्रियाएं मिलेंगी। शत्रु से निजात पाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग, आप भैरव बाबा का भी प्रयोग कर सकते हो, उसके अलावा माता काली का भी प्रयोग कर सकते हो, 10 महाविद्या में माता बगलामुखी का भी प्रयोग कर सकते हो। मैं आपको जो प्रयोग दूंगा शत्रु से बचने के लिए, और अगर आप किसी प्रकार के, मैं आपको बताऊंगा, जो आप किसी प्रकार की विपत्ति से जूझ रहे हो, ज्यादा शत्रु आपके बन रहे, ऑटोमेटिकली बन रहे हैं, तो जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ ये शनि महाराज का बता रहा हूँ आपको, शनिदेव का, शनिवार के दिन ही करना है, 5 शनिवार आपको ये करना होता है। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपने जो शनिदेव को है एक तेल की बोतल अर्पित करनी होती है, ठीक है, तेल की बोतल अर्पित करनी होती है। अब बोतल अर्पित कैसे करनी है, शनि मंत्र में ही जाके आपने एक मंत्र है ओम शम शनिचराय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए उस तेल को जो है शनिदेव के ऊपर ही आपको जो है 108 बार डालना है। थोड़े से उर्द साथ में ले जाने हैं, ठीक है, उर्द और तेल भी आप मिश्रण करके, उर्द और तेल का मिश्रण करके, यानी कि उनको मिलाकर अगर आप शनिदेव के मंदिर में बैठकर हवन की आहुतियाँ डाल देते हो तो ये और भी ज़्यादा कार्य करता है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए, भक्ति कर्म कैसे करते हैं, आप ये प्रयोग कर सकते हो। इसके लिए अगर गुरु भी नहीं है तो कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा आपके ऊपर, बिना गुरु के भी आप कर सकते हो, लेकिन याद रखना प्रयोग में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। मांस मदरा का सेवन नहीं आएगा, दारू मांस मदरा का प्रयोग आप लोग जो लोग करते हैं वह नहीं अपने आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग में कितना आपने जप करना है और कितना आपने हवन करना है ये संकल्प लेना अति आवश्यक है, ठीक है। इसमें वस्त्रों का खास तौर पे ध्यान रखना, ब्रह्मचार्य का खास तौर पे ध्यान रखना, ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये जो मंत्र और क्रिया है कुछ समय के अनुसार और पहरों के अनुसार आपके ऊपर भी चढ़ती है, सामने वाले पे चढ़ती है।